नमस्कार दोस्तों, हमारा शेड्यूल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है महाअष्टमी और महाअष्टमी के अवसर पर अभी हम आ गए हैं रेलवे कॉलोनी काली मंदिर में। और बता दूं कि प्रतिवर्ष रेलवे इंस्टीट्यूट में रखी जाने वाली दुर्गा माता अब पिछले साल से कोविड के कारण यहाँ पर स्थापित की जाती हैं। और देख सकते हैं बहुत ही अच्छा यहाँ पर सजाया गया है पूरे मंदिर को। और वैसे भी शारदीय नवरात्रि में हमेशा यहाँ पर सजावट की जाती है। और ये देखिए राधा कृष्ण जी का भी मंदिर है यहीं पर मंदिर परिसर के अंदर। आइए चलते हैं, हम दर्शन करवाते हैं आपको यहाँ पर स्थापित माँ दुर्गा जी के। और ये देखिए दुर्गा माता जी के हम दर्शन कर रहे हैं और आप भी दर्शन करिए। और कोविड से पहले ये जो है दुर्गा माता की स्थापना रेलवे इंस्टीट्यूट शहडोल में किया जाता था और पिछले साल से यहीं पर स्थापना किया जा रहा है। और अब हम आ गए हैं रेलवे स्कूल के ठीक सामने छोटी कालीबाड़ी स्थित है, वहां आ गए हैं। और यहां पे भी प्रतिवर्ष दुर्गा माता की स्थापना की जाती है। और देख सकते हैं यहां बहुत कुछ इस बार बदल गया है, जैसे शेड वगैरह लग गया है प्रॉपर यहां पर। ये देख सकते हैं शेड लगा हुआ है जो कि देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। और हालांकि जब हम लोग इसी स्कूल में पढ़ते थे रेलवे स्कूल में तो यहाँ पे सेट वगैरह नहीं था और पिछले 1.5 साल पहले ही सेट का काम पूरा हुआ है। और अगर आप आते रहते हैं यहाँ पर और महाअष्टमी के अवसर पर अब हम आ गए हैं विराटेश्वरी धाम दुर्गा माता मंदिर, जो कि सब्जी मंडी के पास स्थित है, या यूँ कहें कि जो पोस्ट ऑफिस है उसके पीछे स्थित है। और हालांकि दुर्गा माता मंदिर विराटेश्वरी धाम को किसी अन्य परिचय की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं में अपने आप में बहुत बड़ा परिचय है हमारे शहडोल नगर के लिए। तो चलिए दर्शन करते हैं और देख सकते हैं अष्टमी का दिन होने के कारण यहाँ काफ़ी भीड़ है और वाहन वगैरह भी प्रॉपर यहाँ पे लगवाए गए हैं, पार्किंग करवाई गई है। और देखिए यहाँ दुकानें वगैरह भी सजी हुई हैं, माता की चुनरी है यहाँ पर और भी श्रृंगार से संबंधित सामग्री वगैरह है। और ये दुकान हालांकि परमानेंट दुकान है यहाँ पे दुर्गा माता मंदिर के आसपास, लोग दुकानदारी वगैरह करते रहते हैं। और ये अच्छा है कि जिसे कुछ श्रृंगार वगैरह
चढ़ाना है, चुनरी चढ़ाना है, तो उसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों के खिलौने भी हैं, मतलब सभी कुछ यहाँ पे मंदिर के आसपास आपको मिल जाएगा। बता दूं कि चैत्र नवरात्र एवं शारदीय नवरात्र दोनों ही अवसरों पर दुर्गा माता मंदिर विराटेश्वरी धाम में विशेष साज सज्जा की जाती है, और जैसा कि देख ही सकते हैं काफ़ी अच्छी लाइटिंग वगैरह की गई है। हालांकि पिछले साल से कोविड के कारण चैत्र नवरात्र में तो नहीं हो पा रहा है यह सब, क्योंकि उस समय लॉकडाउन वगैरह लग रहा है पिछले वर्ष से, और इस वर्ष भी लॉकडाउन रहा चैत्र नवरात्र के अवसर पर। और हम माता जी से प्रार्थना करेंगे कि अब पुनः ऐसी स्थिति ना आए लोगों के सामने, और हम दोनों ही अवसरों पर चैत्र नवरात्र एवं शारदीय नवरात्र दोनों ही अवसरों पर माता जी के दर्शन करें। और कुल मिला के लॉकडाउन लगे ही क्यों, और ये देखिए यहाँ पे जूते चप्पल वगैरह आप रख सकते हैं, यह निःशुल्क सेवा है। यहाँ दुर्गा माता समिति है, वहाँ के सदस्यों के द्वारा की जाती है। वाकई में काफ़ी अच्छा यह पुनीत कार्य है, और ये यहाँ पे साईनाथ महाराज जी विराजमान हैं, लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। और साईनाथ महाराज जी के ठीक बगल में यहाँ पे देखिए बाल गोपाल श्री कृष्ण जी मुरली रखे हुए विराजमान हैं। और यहाँ पे देखिए मंदिर परिसर में दुर्गा माता जी की स्थापना की गई है, प्रतिमा की स्थापना की गई है, और विशेष लाइटिंग वगैरह की गई है। यहाँ पे पीपल का वृक्ष है, और यहाँ देखिए गणेश भगवान जी भी हैं। हालांकि पहले भी आपने देखा होगा, परंतु रात के समय और विशेषकर नवरात्र के समय जब लाइटिंग वगैरह और साज सज्जा की जाती तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहता है, मन को सुकून एवं शांति और प्रसन्नता देने वाला यह वातावरण रहता है, और भक्तों का आना जाना लगा हुआ है। और ये देखिए लाइटिंग की विशेष सजावट यहाँ पर देख सकते हैं, और ये देखिए दुर्गा माता मंदिर परिसर में हम आ गए हैं, और काफ़ी चहल पहल और भीड़ भाड़ है। चूँकि अभी कुछ ही समय पश्चात महाआरती होगी आज, इसलिए भक्तगण यहाँ पर आ गए हैं और महाआरती में सम्मिलित होने के लिए आए हुए हैं ज़्यादातर लोग। और यहाँ आप देख सकते हैं हुआ है। और बता दो कि अभी इच्छा नवमी जब पड़ती है तो इच्छा नवमी के अवसर पर भी लोग यहाँ आते हैं और आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर प्रसाद वगैरह ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिन्होंने भी हमारा शेड्यूल यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। बने रहे हमारा शेड्यूल यूट्यूब चैनल के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता रानी आपके जीवन में हर्षोल्लास बनाए रखे, आपके सारे दुख दर्द दूर करे। जय